शराब घोटाले में कल रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अरविंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे। तो निचली अदालत में बात रखेंगे ये कहते हुए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और कहा कि निचली अदालत में बात रखेंगे। गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। बीती रात ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर और वहीं से उनको अपने साथ ले गई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और अब ताजा अपडेट ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जानकारी दी और कहा कि इस मामले में हम अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे, ये कहते हुए ये याचिका वापस ले ली गई। तो शराब घोटाले में कल रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे अब वापस लिया गया है और कहा गया है कि निचली अदालत में अपनी बात रखेंगे। केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, क्या केजरीवाल कानून से ऊपर हैं? ये बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है। भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे, ये कहना है बीजेपी का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध तमाम विपक्षी दल और उनके नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है जगह जगह पर। अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि क्या केजरीवाल कानून से ऊपर है और भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे। घोटाला तो किया ही लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे, क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए या देश के कानून से ऊपर हो गए? ये वो व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और ये कहता था कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो उस समय के, मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, जो उस समय कहते थे कि सोनिया गांधी की जांच करवाओ, सब पता चल जाएगा। देखिए सुनिए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत लिया और किसने नहीं। अब ये उस समय कह रहे हैं कि दो दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंटरोगेट करो, सब कुछ बाहर आ जाएगा किसने पैसे खाए। अब ये अगर सोनिया गांधी पर, उनकी आज की पार्टनर पर लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं? जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा केजरीवाल अगर इतने ही ईमानदार हैं तो उन्हें ईडी के समन का जवाब देना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने ना तो कोर्ट का सम्मान किया और ना ही ईडी का। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल गांधी खुद जमानत पे घूम रहे हैं। मीसा कानून और 1984 दंगे का जिक्र करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा किसी एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपने को ईमानदार पाक साहब बता रहे हैं तो इनके पास सम्मान आए थे तो जाना क्यों नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए, अपने तथ्य रखने चाहिए। लेकिन इनको ना तो कोर्ट का सम्मान करना है ना ईडी का सम्मान करना है, ये कोई ईडी भाजपा की थोड़ी है। राहुल गांधी खुद ही जमानत में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं ये मरा हुआ लोकतंत्र है। लोकतंत्र देश का कभी न मरता है न मरेगा, लोकतंत्र भारत का अमर है। किसी एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता है।